नेशनल कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेट आईसीआर कृषि पर्यवेक्षक और कृषि से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 2007 से लगातार सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला राजस्थान का एकमात्र संस्थान है। कम फीस में बेहतर सुविधाएं ही एनसीए उदयपुर को राजस्थान का ही नहीं अपितु भारत का सर्वश्रेष्ठ कृषि संस्थान बनाती है। जेट आईसीएआर बीएचयू कृषि पर्यवेक्षक के साथ साथ 11वीं और 12वीं के लिए स्कूल प्लस कोचिंग उपलब्ध है। कृषि प्रतियोगी परीक्षाओं के सभी ऑनलाइन कोर्स संस्थान के मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आज ही जुड़े राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ कृषि संस्थान से। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नेशनल कैरियर एकेडमी। वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीतम सिंह गुर्जर स्वागत करता हूं आपका डिजिटल एनसीए क्लासेज पर। जैसा कि आप सभी को विदित है, आप सभी एग्जाम देके आए हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, और काफी अच्छा पेपर था, इजी पेपर था। आप लोगों ने मेहनत की, मेहनत का फल आप लोगों को मिला। और जैसा कि बच्चों का हमारे पास रेस्पॉन्स आया है ऑनलाइन ऑफलाइन जो है, सभी बच्चे बहुत खुश हैं एनसीए के, और वो कह रहे कि सर जो भी पढ़ाया गया था इंस्टीट्यूट पे वो सारा वहीं से अपने को मिला है। तो सारे क्वेश्चंस हैं मोस्टली जो आप लोगों को पढ़ाए गए थे, एनसीए के स्टाफ ने मेहनत की, बच्चों ने मेहनत की, और आज उसका प्रतिफल उसी लेवल पर अपने को मिलके आया है। पेपर इजी था, कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाएगी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है। ऑनलाइन ऑफलाइन वाले काफी बच्चे बोल रहे कि सर अपना बहुत अच्छा है और रैंक्स में अपन आ जाएंगे। तो आपकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले से ही। जो बच्चे सुपरवाइजर बनके और अपना फ्यूचर सेफ कर चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी बच्चे का ऐसा नहीं हो पाता तो आप अपनी हताश नहीं हो और अपनी तैयारी बिल्कुल निरंतर वो जारी रखे। आप लोगों की मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी। एनसीए हर जगह पर हर समय आप लोगों के साथ खड़ा हुआ है, ठीक है। साल भर के भी हमारे जेट आईसीआर 11 12 के बैच स्टार्ट हो गए हैं, एलएसए का बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर मतलब एग्रीकल्चर प्रीपीजी के लिए भी हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे प्रीपीजी एलएसए और इन सबकी तैयारी करना चाहते हैं वो बिल्कुल एनसीए के संस्थान एनसीए संस्थान से जुड़ जाएं और हमें कॉल करें और पता कर लें कब से क्या कंडीशंस इसकी रहेगी। सुपरवाइजर की आंसर की आपके पास लेके आ रहे हैं डॉक्टर महेंद्र यादव सर, तो आपको यादव सर आंसर की के बारे में पूरी डिटेल में चीजें बताएंगे। आप लोग अपना पेपर मिलान करें। डॉक्टर यादव सर गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नेशनल कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको सर ने बताया, प्रथम सर ने, जितने भी एनसीए परिवार से जुड़े हुए विद्यार्थी उन सभी का मैसेजेस कॉल के माध्यम से आया, मैसेज आया कि अच्छा पेपर था, बहुत अच्छी एग्जाम्स हुई, और वास्तव में एक पेपर जो था बड़ा अच्छा पेपर था। आप सभी लोगों ने बड़े अच्छे से पेपर दिया और रिजल्ट भी एक पॉजिटिव ही आएगा सभी का। उम्मीद करते हैं कि आप सभी जितने भी संस्थान के विद्यार्थी थे
उन सभी का सिलेक्शन होगा और आपको खुशी का पल रहेगा ये अपने लिए और संस्थान के लिए, आपके घर वालों के लिए, माता पिता के लिए। अपन अब आंसर की बात करते हैं कि आंसर क्या रहेंगे, तो स्टार्ट करें अपन आंसर की को। तो क्वेश्चन नंबर एक जो है आपका, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्याय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर एक का आंसर क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन नंबर तीन, धनुष, कोदंड, उरंग, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर दो जो है वो है आपका, किस विकल्प का शब्द वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध है, तो क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर क्या आएगा बेटा, सरोजिनी, क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर रहेगा। हिंदी के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी अपने। अर्थ की दृष्टि से कौन सी लोकोक्ति असंगत है, तो कौन सी लोकोक्ति असंगत है अर्थ की दृष्टि से, कौवा चले हंस की चाल, बिना सोचे समझे अनुसरण करना, जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, दो व्यक्तियों में एक में से अवगुण होना, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, दो असमान व्यक्तियों की तुलना, टंके की चटाई, नो टक्का विदाई, धैर्य न रखना, यही जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर चार, ऑप्शन नंबर चार इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें अपन, किस विकल्प के शब्द का संधि विच्छेद असंगत है, तो क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर क्या होगा, कौन से का है, तो ऑप्शन नंबर दो कौन सा गलत है इसमें, अंतेतर, ये ऑप्शन जो है आपका अपना इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर पांच, किस विकल्प के शब्द युग्म का अर्थ असंगत है, तो क्वेश्चन नंबर पांच का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक, चास चास, नीलकंठ खेती इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अपन, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प को चुनिए, वाक्यांश के लिए एक असंगत विकल्प को चुनिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा। क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करें हिंदी में ही, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प अनुचित है, तो क्वेश्चन नंबर सात का राइट आंसर हो जाएगा अपने तेजस्वी, तेजस्वी यशस्वी जो है वो विकल्प अनुचित है इसका। क्वेश्चन नंबर आठ की बात करें, निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, कौन सा शब्द है वो शुद्ध है, तो आपको इसमें से ढूंढना है शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो रित्य अनुसार इसका राइट आंसर होगा, शुद्ध शब्द कौन सा है अपना, रित्य अनुसार। क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करें अपन, किस विकल्प के सभी शब्द मछली के पर्याय है, ऐसा कौन सा विकल्प है इनमें से जिसके सभी शब्द मछली के पर्याय है, तो राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर नौका इसका राइट आंसर होगा, सल्की, कामध्वज, कंटकी, सल्की, कामध्वज और कंटकी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दस, किस विकल्प का प्रशासनिक शब्द अपने अर्थ से सुमेलित नहीं है, तो दस नंबर का राइट आंसर क्या है बेटा, इनसाइट, कौन सा सुमेलित नहीं है, इनसाइट जो है ये इसका आंसर जो है वो सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें अपन, असंगत सामासिक युग्म का चयन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा अपने, कौन सा शब्द असंगत है इसमें, यथाविधि, तत्पुरुष समास ये असंगत है इसके अंदर अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अपन चले क्वेश्चन नंबर 12 में, निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो मैंने राधा को एक पुस्तक समर्पित की, यही वाक्य अशुद्ध है, बाकी तीनों वाक्य शुद्ध है, मैंने राधा को एक पुस्तक समर्पित की। क्वेश्चन नंबर 13, प्रत्यय से निर्मित शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प को चुनिए, तो 13 नंबर का राष्ट्र राइट क्वेश्चन आंसर होगा, माननीय, राइट आंसर कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर 4 माननीय इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की अपन बात करें, किस विकल्प के समस्त पद का समास विग्रह असंगत है, तो कौन सा है, मुनि श्रेष्ठ,
मुनियों में श्रेष्ठ है जो, ये तो आप सभी पढ़े हुए हो हिंदी में, मुनि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है मुनि जो, ये सही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, जो बोलने में बहुत चतुर हो, उक्त वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द बताइए। तो जो बोलने में बहुत चतुर होता है, वाक्पटु होता है उसका वाक्यांश। ये अपने हिंदी के जो 15 क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन जीके पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन जीके पे। राजस्थान लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, राजस्थान लैंग्वेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब करते हैं? 21 जनवरी को। गुड आफ्टरनून सभी को, मैं पढ़ रहा हूं कमेंट। निहार गुड आफ्टरनून, यादव सर अच्छा हुआ होगा आप सभी का पेपर। विजय भारत कह रहा है सर एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आपके नोट्स में से आए हैं। हाँ विजय, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन बताया था, वैसे के वैसे क्वेश्चन आए हैं। अपन आगे बात भी करेंगे ऐसे क्वेश्चन जो बाकी जगह खूब जगह गलत भी किया होगा, खूब संस्थान पे वो क्वेश्चन अपने सही होंगे, क्योंकि अपन ने ऐसे के ऐसे बताए थे वो क्वेश्चन, और वैसे की वैसे डिट्टो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु इज द चेयरमैन ऑफ राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, राजस्थान राज्य मानविक मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आप सभी को मालूम है राजस्थान मानवाधिकार, देखो अब ऐसे क्वेश्चन पे देखो, किसी को अगर आई भी नहीं तो ये क्वेश्चन तो वैसे भी कर सकते हैं। निरंजन आर्य राजस्थान के मुख्य सचिव है, भूपेंद्र यादव राजस्थान आरपीएससी जो है, राजस्थान लोक सेवा आयोग उसके अध्यक्ष है। इसका मतलब इन दोनों में से एक राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर कौन सा है? जीके व्यास, जीके व्यास साहब इसके राइट आंसर है। द बैटल ऑफ हल्दीघाटी वॉज फॉट इन द ईयर, हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ये तो सभी को मालूम है, कब लड़ा गया था हल्दीघाटी का युद्ध? 1576 को, 1576 को हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1576 को हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया था। हाँ आपने जो पढ़ के आए हो वही था, अपन ने जो पढ़ाया जैसा डिट्टो वैसा ही अपने आया था, जैसा अपन ने पढ़ाया था वैसे की वैसे ही आया था। हाँ एक क्वेश्चन आंसर जो है वो थोड़ा गलत लगा दिया अपन ने, इसका आंसर बेटा 21 जनवरी नहीं 21 फरवरी होगा। राजस्थान लैंग्वेज डे जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है, ये गलत लगा लिया था अपन ने आंसर, 21 फरवरी को लगा बनाया जाता है राजस्थान लैंग्वेज डे। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर अपना, 19 नंबर में है, झालरापाटन का सूर्य मंदिर निर्मित किया गया नागभट्ट सेकंड के द्वारा। नागभट्ट सेकंड ने झालरापाटन का जो सूर्य मंदिर है ये बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 20, अब देखो 20 क्वेश्चन में तो आपको कुछ समझना ही नहीं है, ये तो देखो जीके में क्वेश्चन है, बट जीके में है लेकिन अपन ने एग्रीकल्चर में इसको कंप्लीट कर लिया था, एग्रीकल्चर से ही आपको हो गया होगा। द मेजर मेज प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान आर, राजस्थान के प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं, और आपको बताया हुआ था राजस्थान में मक्का के लिए सबसे बेस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन दक्षिणी राजस्थान के अंदर है, सबसे अच्छा मक्का दक्षिणी राजस्थान के अंदर होता है अपने। और दक्षिणी राजस्थान के ऑप्शन की बात करें अपने तो कौन से आता है, तो दक्षिणी राजस्थान में अपना उदयपुर आता है, तो उदयपुर भीलवाड़ा और चित्तौड़, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर भीलवाड़ा चित्तौड़ और उदयपुर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था अपने, एग्रीकल्चर में भी पढ़ा था अपन ने, जीके में भी पढ़ा था। रावण हत्या
किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये तो सभी को मालूम है, रावणहत्ता तत् प्रकार का वाद्य यंत्र है। और नेक्स्ट भी जीके का जो क्वेश्चन है वो अपन ने एग्रीकल्चर में कंप्लीट किया था, विंटर रेनफॉल मावट अकर थ्रो, शीतकालीन वर्षा मावट होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा, पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा, उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा और दक्षिणी पूर्वी मानसून के द्वारा। तो अपन ने पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, जीके के अंदर है, एग्रीकल्चर में भी अपन ने इसको कंप्लीट कर लिया था। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा होने वाली बारिश है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है? तो आप सभी को मालूम है जलियांवाला हत्याकांड की संज्ञा किसको दी गई थी, मानगढ़ पहाड़ी पर जो चल रहा था आंदोलन उसको, वहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा अपना 23 का डी, मानगढ़ बांसवाड़ा। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें 24, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जीके में पूछा हुआ है आपका, फर्स्ट स्पाइसेस पार्क ऑफ राजस्थान वो जो एस्टैब्लिश एट, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क स्थापित किया गया, जीके में पूछा आपको ये क्वेश्चन आ, इसका राइट आंसर है जोधपुर, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क जोधपुर में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, जीके का ही क्वेश्चन है 25 भी, श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार है, श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार है किसके लिए? तो फड़ के लिए बड़े फेमस है, चित्रण और फड़ के लिए बड़े फेमस है श्रीलाल जोशी साहब, बड़े फेमस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 की, बातारी फुलवाड़ी पुस्तक के रचयिता थे, देखो पुस्तक का नाम भी बड़ा अच्छा है, बातारी फुलवाड़ी, आप तो बड़े जानते हो, बातें तो आपको बहुत अच्छी अच्छी आती है, बड़ी मीठी मीठी बातें कर लेते हो आप, क्यों बातें करने में तो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हो आप, तो ये तो जानते होंगे किसने लिखा था, विजयदान देथा ने बातारी फुलवाड़ी पुस्तक के रचयिता थे। कौन थे बातारी फुलवाड़ी पुस्तक के रचयिता? विजयदान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27, कामच्या है, कामच्या क्या है? वाद्य यंत्र है, कौन सा यंत्र है कामच्या? वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं, देखो अभी तो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन और भी आएंगे जीके में। 28 क्वेश्चन की बात करें, बडला सोलर पार्क अवस्थित है, बडला सोलर पार्क कहाँ स्थित है? तो बडला सोलर पार्क आपका बेटा जोधपुर में स्थित है, कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। सबसे बेस्ट आंसर की, सबसे सटीक आंसर की, सबसे राइट आंसर की नेशनल कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, आप अपने सभी जितने भी साथी हैं उन सभी को शेयर कर देना, सबसे सटीक आंसर की मिलेगी यहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोसुंडी का शिलालेख कहाँ है? गोसुंडी का शिलालेख तो आप सभी को मालूम है, ये तो कोई चित्तौड़ वालों के क्वेश्चन में बहुत फायदा मिला होगा, क्योंकि चित्तौड़ के बहुत क्वेश्चन थे, चित्तौड़गढ़, गोसुंडी शिलालेख कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनाया, जीके के अंदर आपका ये क्वेश्चन दिया गया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनाया गया, इन विच डिस्ट्रिक्ट वर्टी सोइल आर फाउंड, वर्टी सोइल कौन से जिलों में पाई जाती है? तो वर्टी सोइल का वर्टी सोइल में अपनी कौन सी सोइल आती है? तो आप सभी को मालूम है इसके अंदर अपनी काली मृदा आती है, कौन सी मृदा आती है? काली मृदा, और काली मृदा राजस्थान के हाड़ौती संभाग में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के हाड़ौती संभाग में, और अपना आंसर हो जाएगा इसका हाड़ौती संभाग, झालावाड़ कोटा और बूंदी, राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़ कोटा और बूंदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले 31, हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया? तो कौन से को किया गया? रामगढ़ विषधारी को,
रामगढ़ विषधारी को राजस्थान का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, 32। अरे यार ये तो बहुत अच्छा है। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में आयोजित किया जाता है, कब आयोजित किया जाता है ये पूछना चाह रहे हैं, कौन से महीने में? तो चैत में, चैत्र माह के अंदर ये मेला अपना आयोजित किया जाता है, चैत्र माह के अंदर ये आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में सवाई जयसिंह सेकंड ने वेदशाला का निर्माण नहीं करवाया था? अब यहां पूछ रहा है कि नहीं करवाया था, तो कहां नहीं करवाया था इसने? आगरा के अंदर सवाई जयसिंह ने सौर वेदशाला का निर्माण नहीं करवाया था। आगरा के अलावा बाकी तीनों जगह, उज्जैन, जयपुर और दिल्ली के अंदर सवाई जयसिंह सेकंड ने जो वेदशाला है, सौर वेदशाला, इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है 34 में, तो कहां दिखाई देती है? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के अंदर ऐसी स्थिति दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी सागरमल गोपा साहब कहां के निवासी थे? गोपा साहब कहां से बिलोंग करते थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसलमेर से। सभी को मालूम है सागरमल गोपा साहब कहां से थे, जैसलमेर के रहने वाले थे सागरमल गोपा साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे ये तो भैया, पोथीखाना संग्रहालय स्थित है, पोथीखाना संग्रहालय कहां स्थित है? राजस्थान की राजधानी में स्थित है, और राजस्थान की राजधानी जयपुर कहां स्थित है? पोथीखाना संग्रहालय, पोथीखाना म्यूजियम इज सिचुएटेड राजस्थान की राजधानी में, और राजस्थान की राजधानी जयपुर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। बड़ा लेट जुड़ रहे हो, फटाफट से इस वीडियो के जो लिंक है, इस लिंक को सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, जो सभी को आंसर की मालूम चल जाए और सभी को अपना आकलन भी हो जाए कि हाँ मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और उनको ये आइडिया लग जाए कि हाँ मैं सिलेक्शन की कैटेगरी में आ रहा हूँ या नहीं आ रहा, इसका भी आइडिया लग जाए। तो आप जितने भी एग्रीकल्चर से संबंधित आपके स्टूडेंट्स हैं उन सभी को शेयर कर दीजिए, आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए, जो जितने भी मिलने वाले होंगे देख लेंगे, और सभी को अपना सेल्फ इवोल्यूशन हो जाए कि मैं सिलेक्शन की कैटेगरी में आ रहा हूँ या नहीं। और मुझे उम्मीद है एनसीए से पढ़ा हुआ हर विद्यार्थी सिलेक्शन कैटेगरी में आएगा, 100% आएगा, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वो अपने क्वेश्चन हो रखे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 36 पे, जाजम आजम छपाई कहां की प्रसिद्ध है? जाजम आजम छपाई कहां की फेमस है? देखो वापिस वहीं का क्वेश्चन उठा दिया, चित्तौड़ का, घुसुंडी वाला ही वापिस उठा दिया चित्तौड़ से, चित्तौड़ के बहुत क्वेश्चन आए हैं। जाजम आजम छपाई कहां की फेमस है? चित्तौड़ की। नेक्स्ट है, भैसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है, तो कौन सा पठार है? ये तो सभी को मालूम है, उपरमाल, ये बिजोलिया के आसपास जो है अपन उसको उस, देखो यहां वाले लोगों ने तो वैसे भी ये सही कर दिया होगा, क्योंकि वहां के जैसे बिजोलिया के आसपास के क्षेत्र को कहा भी उपरमाल ही जाता है, उपरमाल वाला क्षेत्र है ये, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? उपरमाल। भैसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार जो है वो उसको उपरमाल कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 39, रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? सभी को पीडीएफ मिल जाएगी, चंद्रिका प्रसाद कह रहे पीडीएफ, हाँ बेटा सभी को पीडीएफ एनसीए के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी पीडीएफ आंसर की, और आंसर की के साथ एनसीए का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपके डाल दी जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप में पीडीएफ बना के आंसर की के साथ डाल दी जाएगी, डोंट वरी, इस मामले में कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ स्थित है रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ? भीलवाड़ा के अंदर, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर स्थित है रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ की गद्दी। क्वेश्चन नंबर 40,
जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है? शेड्यूल एसटी कास्ट राजस्थान में जनसंख्या 2011 के अनुसार उदयपुर के अंदर है। कहाँ है? उदयपुर के अंदर है बेटा। ये अपना हो गया क्वेश्चन जीके के। अब उसके बाद अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। अब एग्रीकल्चर के क्वेश्चन स्टार्ट है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे। द बोटनिकल नेम ऑफ बार्ले इज, जो का वानस्पतिक नाम है सभी को मालूम है, आंसर की बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। होर्डियम वल्गेयर, जो का वानस्पतिक नाम क्या है? होर्डियम वल्गेयर जो का वानस्पतिक नाम है। नेक्स्ट की बात करें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैक्सिमम लोगों ने गलत किया होगा, लेकिन एनसीए से पढ़ा हुआ विद्यार्थी इसको गलत नहीं करके आया होगा, क्योंकि एनसीए से पढ़ा हुआ विद्यार्थी का ये क्वेश्चन इसलिए गलत नहीं होगा क्योंकि अपन ने इसको बताया था कि देखो जब अपन ने इसको पढ़ाया था वेदर एंड क्लाइमेट, जैसा कि एग्रोनॉमी मैं ही लेता हूं यहाँ क्लास, तो आपको बताया था वेदर एंड क्लाइमेट जब पढ़ाया था तब कहा था सबसे पहले 1875 के अंदर, 1875 के अंदर ये क्या हुआ, कलकत्ता में स्टार्ट किया गया, कलकत्ता से फिर शिफ्ट किया शिमला 1905 में, फिर शिमला से गया ये पूना, और पूना से फिर लास्ट में कहाँ गया, अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है, नई दिल्ली के अंदर चला गया। लेकिन क्वेश्चन पूछा भारतीय मौसम विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में यहां पर मुख्यालय के साथ की गई, तो सबसे पहले ये कलकत्ता में स्टार्ट हुआ था 1875 को, फिर शिमला में शिफ्ट किया, फिर इसको पुणे में भेजा गया, फिर वर्तमान के अंदर ये कहाँ आ गया, नई दिल्ली के अंदर आ गया है। वर्तमान में कहाँ है, अब वर्तमान में पूछ लेता अगर आईएमडी कहाँ स्थित है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है वर्तमान समय के अंदर। लेकिन जब स्टार्ट किया गया था कलकत्ता से स्टार्ट हुआ, कलकत्ता से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई, रुका नहीं, लगातार चलते जा रहा है, थक नहीं रहा है ये, कलकत्ता से शिमला पहुंच गया, शिमला से पूना पहुंच गया, और पूना से 1905 में ये शिमला पहुंच गया था, 1905 के अंदर ये शिमला पहुंच गया था, शिमला से फिर पूना पहुंचा और वर्तमान में दिल्ली। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कोलकाता। अब बुक्स में आपको पुणे भी मिलेगा कि आईएमडी कहाँ स्थित है, पुणे के अंदर स्थित है, नहीं, लेकिन आईएमडी जो है सबसे फर्स्ट आईएमडी स्टार्ट किया गया था, हेडक्वार्टर कलकत्ता, कलकत्ता के बाद उसको शिमला में शिफ्ट किया गया, शिमला 1905 को शिमला गया, शिमला से ये फिर पूना गया, पूना से फिर ये कहाँ चला गया, शिमला से ये चला गया दिल्ली के अंदर पहुंच गया भैया, दिल्ली में पहुंच गया, और दिल्ली में क्या आ गई, बिल्ली आ गई, दिल्ली में क्या आ गई, बिल्ली आ गई। तो 1928 के अंदर ये दिल्ली पहुंच गया था। चले आगे, 1928 में दिल्ली पहुंच गया था, और 1928 में पूना पहुंच गया था, 44 में दिल्ली पहुंच गया था ये। तो आईएमडी 1875 में जब स्टार्ट हुआ तब कहाँ है, कलकत्ता इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अनाज की फसल में लाइसिन व ट्रिप्टोफेन की मात्रा सबसे कम होती है? तो अपन ने लिखा था मक्का की प्रोटीन को जीन कहा जाता है जिसमें ट्रिप्टोफेन और लाइसिन की कमी होती है, इट मीन्स इसका राइट आंसर क्या होगा, मक्का, मक्का में ट्रिप्टोफेन और लाइसिन की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन देखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अपन ने कम से कम 10 क्वेश्चन सोल्व किए होंगे ऐसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और कम से कम 10-20 क्वेश्चन सोल्व किए थे, और इसको तो सोल्व भी नहीं करना, मैंने कहा भी था आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, कोई सोल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये कह रहा है कि 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन का प्रयोग करना है, 150 किलोग्राम एक हेक्टेयर में नाइट्रोजन का प्रयोग करना है, और खेत कितने का है, 10 हेक्टेयर में डालना है। प्रयोग कहां करना है अपने को, 10 हेक्टेयर में प्रयोग करना है। एक हेक्टेयर में कितना देना है, 150 किलोग्राम 10 हेक्टेयर में देना है, तो बताइए कितना यूरिया चाहिए, अपने को पूछ लिया, बताइए भैया यूरिया कितना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब देखो 150 किलोग्राम एक हेक्टेयर में देना है,
और अपने को देना है 10 हेक्टेयर के अंदर, तो 10 हेक्टेयर के अंदर देने के लिए कितना नाइट्रोजन चाहिए, 150, कितना 1500 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए अपने को, 1500 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए 10 हेक्टेयर में देने के लिए। अब 1500 किलोग्राम नाइट्रोजन कितने यूरिया में पाया जाएगा, अब इसको भी क्वेश्चन को सोल्व करने की आवश्यकता है क्या बेटा, मेरे को ये बता दो जरा। आपको मालूम है 100 किलोग्राम यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, इसका मतलब यूरिया की जितनी मात्रा है उसमें आधा नाइट्रोजन होता है। अब 1500 नाइट्रोजन है तो इसको देने के लिए कम से कम 3000 तो यूरिया होना चाहिए। अब 3000 के आसपास में सिर्फ एक ही ऑप्शन बैठ रहा है आपका, 3000 के आसपास तो एक ही ऑप्शन बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर 4। सोचना भी नहीं था इस क्वेश्चन में, तो इतना इजी क्वेश्चन दे रहा है, ना कोई कैलकुलेशन करनी थी ना कुछ और करना था, सोचने की आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर इसका 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, अपन ने बहुत प्यारी बात की थी है, क्या बात की थी कि धनिया जो है कुछ लोगों ने देखा ही नहीं, असली में धनिया होता कैसा है, तो अपन ने कहा था सुरभि धनिए की सुगंध को सूंघकर क्या हो गई थी, आनंदित हो गई थी। कहां पे देखा धनिया उसने, हिसार के अंदर, तो हिसार सुगंध किसकी किस्म थी, अपने धनिए की किस्म थी ये, हिसार सुगंध किसकी किस्म थी, धनिए की किस्म थी। ऐसे कैसे क्वेश्चन आया हुआ है देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन अपना ये भी बताया हुआ है। भूपरिष्करण के अंदर अपन ने पढ़ा था, भूपरिष्करण का एक क्लासिफिकेशन जो था वर्गीकरण सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ने दिया था, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान ने भूपरिष्करण का एक क्लासिफिकेशन दिया था। उस टाइम कहा था अपन ने कहां स्थित है, भोपाल के अंदर स्थित है, CIAE भोपाल, CIAE भोपाल। हाँ, उसका डी आंसर बेटा धनिया, मैंने इंग्लिश में लगा दिया सॉरी, उसका आंसर है धनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, बहुत फिर अच्छा क्वेश्चन आया है, ये भी क्वेश्चन अपन ने अच्छा किया था। एक मर्दा जिसका स्थूल घनत्व 1.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तथा कण घनत्व 2.65 ग्राम घन सेंटीमीटर है, तो इसके रंध्रावकाश की प्रतिशत बताइए। फॉर्मूला बताया था अपन ने, 100 माइनस BD अपॉन PD इंटू 100, तो बल्क डेंसिटी कितनी है 1.5, पार्टिकल डेंसिटी कितनी है 2.65 गुणा 100, 1.5 अपॉन 2.65 गुणा 100, और इसको अगर अपन सोल्व करें 1.5 2.65 को, तो ये आपका हो जाएगा 15 से कर लेते हैं, या तो अपन ऐसे कर लेते हैं इसको, ये आ जाएगा आपका 57 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और इसका अगर 100 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 43 के समथिंग। मैं एक पूरा कैलकुलेशन इसका नहीं कर रहा, वैसे बता रहा हूँ एक नॉर्मली, तो 43 के समथिंग आ जाएगा। अब इसका अपने पास ऑप्शन में 43 है नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 42, यही फॉर्मूला लग जाएगा, 100 माइनस BD अपॉन PD इंटू 100, इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना 100 माइनस BD अपॉन PD इंटू 100। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे चले, कौन सा नंबर का क्वेश्चन था लास्ट वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्कशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। ब्लाइंड होविंग अंधी गुड़ाई सिफारिश की गई थी किसमें, गन्ने के अंदर। अंधी गुड़ाई शब्द कहाँ काम आता है, गन्ने के अंदर काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसका शुभारंभ हुआ, कब शुभारंभ हुआ था, 14 अप्रैल 2017 को इसका सोलह को 14 अप्रैल 2016 को इसका शुभारंभ हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार बीज के थैले पर किस रंग का टैग लगा रहता है? तो किस कलर का रहता है? सफेद कलर का, सिंपल सा है। पासवानी पीला बैंगनी, पासवानी पीला सफेद बैंगनी नीला, तो सफेद कलर का टैग होता है। भरतपुर और करौली डिस्ट्रिक्ट कौन से एग्रोक्लाइमेटिक जोन में आते हैं? एग्रोक्लाइमेटिक जोन का तो क्वेश्चन गलत होने का चांस था ही नहीं, क्योंकि अपन ने जिले, मैंने कहा था जिले का क्वेश्चन पूछेंगे आपको कि कौन सा जिला कौन से एग्रोक्लाइमेटिक जोन में आ रहा है या कौन सा संस्थान कौन से एग्रोक्लाइमेटिक जोन में आ रहा है, और जिला पूछ लिया बहुत अच्छी ट्रिक के साथ, पढ़ा था अपन ने कि कौन सा जिला कौन से जोन में आता है, और मेरे हिसाब से शायद ही किसी विद्यार्थी का गलत हो, ऑप्शन नंबर चार थर्ड बी इसका राइट आंसर है, सॉरी हाँ थर्ड बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? पंजाब छुआरा किसकी किस्म है? बताना फटाफट से, देख तो मेरे को कमेंट वाले बताना पंजाब छुआरा किसकी वैरायटी है, देख तो बताओ फटाफट, आप लोग भी बताओ यार, साथ तो दो। पंजाब छुआरा किसकी वैरायटी है? बहुत बढ़िया, टमाटर की वैरायटी है, बहुत अच्छा। पंजाब छुआरा किसकी वैरायटी है? टमाटर की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ बहुत बार पढ़ा हुआ है अपना। निम्नलिखित में से बाजरा पर एक परजीवी खरपतवार है, कौन सा बाजरा का परजीवी खरपतवार है? तो स्ट्राइका। C4 प्लांट्स जो भी है, बाजरा ज्वार मक्का गन्ना, इनका परजीवी खरपतवार कौन है? स्ट्राइका इनका परजीवी खरपतवार है। नेक्स्ट, देखो आप, देखो इस क्वेश्चन को एक बार देखना आप, इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से देखना, ऐसे कैसे पढ़ा, थोड़ा सा इसको इसने घुमा दिया। इसने कहा इट इज ए यील्ड ऑफ मार्केटेबल क्रॉप प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ वाटर यूज इन इवापोट्रांसपिरेशन। इट मीन्स वाई यील्ड अपॉन इवापोट्रांसपिरेशन, वाई अपॉन ईटी, और वाई अपॉन ईटी अपन ने किसका फॉर्मूला पढ़ा था? वाटर यूज इफिशियंसी, जल उपयोग दक्षता। किसका पढ़ा था अपन ने फॉर्मूला? जल उपयोग दक्षता का ये फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अपन, नेक्स्ट 61 नंबर। फिर कहाँ गया? अब इसमें कैसे ध्यान पड़ेगा? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का सबसे पहले प्रयोग करने वाले साइंटिस्ट थे नॉर्थबोर्न, 1940 में सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग किया था नॉर्थबोर्न ने, 1940 में सबसे पहले इन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाइब्रिड ऑफ बासमती क्वालिटी राइस? बासमती क्वालिटी राइस की हाइब्रिड है PRH10। PRH10 बासमती की राइस की हाइब्रिड राइस की वैरायटी है PRH10। नेक्स्ट सचिन कह रहा है सर आपका पेपर मस्त था, थैंक यू सचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोल साइंस के अनुसार सिल्ट के कणों का आकार क्या है?
ऑप्शन नंबर 4 0.02 से 0.002 mm तक का होता है IEEE के अनुसार शील्ड का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, ये भी कोई क्वेश्चन है क्या बेटा, कितना प्यारा क्वेश्चन है। विच क्रॉप इज नोन एज केमल क्रॉप, कौन सी केमल क्रॉप है बताइए बताइए। ज्वार, केमल क्रॉप कौन सी है? ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फसल को कैमल क्रॉप हो गया? इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज ए किंग ऑफ फाइबर, कौन है किंग ऑफ फाइबर? कपास, रेशे वाली फसलों का राजा कपास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के मर्दा चरण में मर्दा मैट्रिक्स नष्ट हो जाता है लेकिन लंबी अवधि तक पता नहीं चलता? सीट इरोजन, परत क्षरण, कहाता किसान की मृत्यु अवस्था कहलाती है जिसे नग्न आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता, मतलब आसानी से इसको नहीं पहचाना जा सकता, इस अवस्था को परत क्षरण कहलाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नर्सरी में पौधे उगाने के लिए निम्न में से कौन सी उपयुक्त माध्यम हो सकता है? 61 में कौन सा है? पेलाइट। नर्सरी में पौधे लगाने के लिए निम्नलिखित में से सबसे बेस्ट आंसर कौन सा हो सकता है? तो पेलाइट सबसे बेस्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62, यह एक प्रणालीगत कीटनाशक है, कौन सा है? सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड कौन सा है बेटा? डाइमिथोएट, कौन सा है? डाइमिथोएट सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने हॉर्टिकल्चर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, ये तीन क्वेश्चन तो हो गए। द बोटनिकल नेम ऑफ फ्रूट वाइटिस विनीफेरा सभी को मालूम है, किसका है? वाइटिस विनीफेरा, अंगूर का। वाइटिस विनीफेरा किसका साइंटिफिक नेम है? अंगूर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको चाइनीज लेरिंग, पोर्ट लेरिंग, मार्केटिज या घुटी के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर 3, एयर लेरिंग को ऐसा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, एयर लेरिंग को ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यह फल भारत के लिए स्वदेशी है, कौन सा है? सभी को मालूम है, भारत के में जाओ तो सब जगह क्या मिल जाएगा? बेर। इन ऑप्शन के अंदर भारत का स्वदेशी फल कौन सा है? बेर स्वदेशी फल है। सुगर बेबी किसकी वैरायटी है? सभी को मालूम है, खूब खाए हुए हैं तरबूजे, खूब खाए हुए हैं, जिसको तरबूज अपन ने खूब खाए तो सुगर बेबी इसकी वैरायटी है, बड़ी फेमस वैरायटी है। तरबूज तो खाया ही ना सभी ने, तो ये तो सोचना ही नहीं था। बहुत अच्छा पेपर आया, बहुत प्यारा पेपर है। विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसमें तो सोचना ही नहीं है, आम टीवी में ऐड भी देखते हैं तो बार बार में कहते हैं स्लाइस, आम तो भारत में सबसे ज्यादा होता ही होता है, तो कहां आंसर आ जाएगा? इंडिया, भारत इसका राइट आंसर है। विश्व में सर्वाधिक आम का उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। निम्नलिखित में से कौन सा फल सूखा प्रतिरोधी है? 68 में कौन सा फल सूखा प्रतिरोधी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनार। सूखा प्रतिरोधी फल कौन सा है? अनार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, ये आएगा ना 69 ही। लिकोरिस को इस नाम से भी जाना जाता है, लिकोरिस को मुलेठी के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जानते हैं? मुलेठी को लिकोरिस भी कहा जाता है। पुष्कर किसकी खेती के लिए जाना जाता है? सबको मालूम है पुष्कर किसके लिए जाना जाता है, ये क्वेश्चन ये तो किसी का गलत होने का क्वेश्चन ही नहीं है, गुलाब की खेती के लिए फेमस है पुष्कर। यह पौधों की संदाई की एक कला है जिसमें पौधों को जानवरों, पक्षियों या डोम्स जैसा सजावटी आकार दिया जाता है, तो ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में पूछा गया, टोपियरी।
कौन सा है? टोपियरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोटनिकल नेम ऑफ डेट पाम, डेट पाम का वैज्ञानिक नाम क्या है? खजूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो खजूर का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, सभी को आता है, फिनिक्स डेक्टाइलोफेरा। फिनिक्स डेक्टाइलोफेरा डेट पाम का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आमतौर पर खालिस्तान प्रतिशत पेक्टिन अच्छी जेली बनाने के लिए पर्याप्त है, तो कितनी जेली के लिए पेक्टिन होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर एक, 0.5 से 1% पेक्टिन अच्छी जेली बनाने के लिए आवश्यक है। कितना? 0.5 से 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैम में साधारणतया टीएसएस प्रतिशत होती है, जैम में टीएसएस का कितना प्रतिशत होता है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 68.5%। जैम में 68.5% टीएसएस, ये क्या नाम बोलते हैं, टीएसएस होता है, 68.5% जैम का टीएसएस है। प्राइड ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ इंडिया किसकी वैरायटी है? तो प्राइड ऑफ इंडिया आपके क्योली फ्लोवर की वैरायटी है। फूल गोभी की किस्म है प्राइड ऑफ इंडिया? प्राइड ऑफ इंडिया आपकी क्योली फ्लोवर की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जिब्रेलिन की खोज जापानी वैज्ञानिक खालिस्तान ने वर्ष 1926 में की। आप सभी को मालूम है जिब्रेलिन की खोज कुरोसोवा नामक वैज्ञानिक ने जिब्रेला फ्यूजी कुरोई नामक एक फंगस से की थी, जो चावल के अंदर एक डिजीज भी करती है, जिस डिजीज को कहा था बकाने या फाल्स पुलिस सीडलिंग, मूर्खोद्भिद रोग जिसे कहा था चावल के अंदर अपन ने, उससे जापानीज वैज्ञानिक कुरोसोवा ने जिब्रेलिन को खोजा था। तो जिब्रेलिन की खोज किसने की? कुरोसोवा नामक वैज्ञानिक ने जिब्रेलिन को खोजा था। गमोसिस इज एसोसिएटेड With which fruit crop? तो सिट्रस के साथ। गमोसिस नींबू वर्गीय फलों के साथ संबंध रखता है। गमोसिस जो रोग है नींबू वर्गीय फसलों का है। अरे यार, ये क्वेश्चन कुफरी पुखराज, कुफरी सीतमान, कुफरी अलंकार, कुफरी लग गया वहां पे तो क्या आ गया? आलू। कुफरी लग गया तो आंसर क्या आना है? आलू राइट आंसर हो जाएगा। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भंडारण के दौरान प्याज के फुटान को रोकने के लिए कौन सा बढ़वार नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है? सभी को मालूम है प्याज को रोकने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? मेलिक हाइड्रेजाइड। मेलिक हाइड्रेजाइड प्याज के भंडारण में अंकुरण को रोकने के लिए काम लिया जाता है। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ इरीगेशन सप्लाइज वाटर टू द प्लांट इक्विवेलेंट टू इट्स कंजप्टिव यूज। सिंचाई की यह प्रणाली पौधों को उसको उपभोग्य उपभोग के बराबर पानी की आपूर्ति कराती है। बूंद बूंद सिंचाई की विधि ड्रिप मेथड फसल को जितना पानी चाहिए उतना ही पानी देने का काम करती है, तो ड्रिप मेथड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आप एनिमल साइंस के क्वेश्चन आ गए। 81 क्वेश्चन, हीपर खालिस्तान को कहा जाता है, किसे कहते हैं? पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी। ऑप्शन नंबर 3 को हीपर कहा जाता है। पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी को हीपर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बकरी की विदेशी नस्ल है टोकनबर्ग, कौन सी नस्ल है? टोकनबर्ग विदेशी नस्ल है। गर्बर मेथड वसा के लिए, कहाँ है वसा? गर्बर मेथड कहाँ यूज किया जाता है? दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गर्बर मेथड काम में लिया जाता है। नवीनतम पशुधन गणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों में बकरी की आबादी में राजस्थान का स्थान भैया पहला है।
राजस्थान में बकरियां सबसे ज्यादा है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार। मेमने में पूंछ को हटाने की क्रिया को डॉकिंग कहा जाता है। पूंछ के हटाने की क्रिया डॉकिंग कहलाती है। फूट एंड माउथ डिजीज किससे होती है? खुरपका व मुंहपका रोग। सॉरी, संसर्ग रोग है खुरपका व मुंहपका, FMD। नेक्स्ट की बात करें, पानी लाना जमना। नेक्स्ट क्या है? सिंगल हम्प्ड भारत में पाई जाने वाली ऊंट की कुबड़ युक्त अरेबियन प्रजाति को सामान्यतया कहा जाता है। 87 क्वेश्चन में ड्रोमेडरी क्या कहेंगे? ड्रोमेडरी, दो कुबड़ वाला बैक्टीरियंस, एक कुबड़ वाला ड्रोमेरी। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पशुओं में विरेचक के रूप में किया जाता है? कौन से का प्रयोग पशुओं में विरेचक के रूप में करते हैं? ऑल द अबाउ आ जाएगा। उपयुक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ शीप इज ऑल्सो कॉल्ड मेरिनो ऑफ राजस्थान? निम्नलिखित में से किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है? चोकला, जो राजस्थान के शेखावटी जिलों में पाई जाती है। तांबे के आकार की भैंस की नस्ल कौन सी है? बदावरी। देखने की आवश्यकता कहाँ है? सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? अविका नगर, मालपुरा, टोंक में स्थित है भैया। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविका नगर, मालपुरा, टोंक। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSWRI, अविका नगर, मालपुरा, टोंक में स्थित है। हसिया के आकार का सींग निम्न में से किसका है? सूरती का। सूरती नस्ल का है हसिया आकार का सींग। खीस के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जो खीस है, खीस के बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो बताइए कौन सा सही है नहीं है। खीस को शरीर के भार के 20% दर को देना चाहिए, नहीं, ये बात सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच पोल्ट्री डिजीज ऑल्सो नोन एज न्यूकेसल डिजीज? कौन सी पोल्ट्री डिजीज को न्यूकेसल कहा जाता है? रानीखेत, जो कि एक वायरल से होने वाली डिजीज है। रानीखेत डिजीज को न्यूकेसल डिजीज भी कहा जाता है। द ओरिजिन प्लेस ऑफ होलेस्टियन फ्रीजियन, होलेस्टियन फ्रीजियन नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? होलैंड। होलेस्टियन फ्रीजियन से क्या आ जाएगा? होलैंड। कापरा हिरकस किसका वैज्ञानिक नाम है? कापरा हिरकस तो राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जा रही है, बकरी। कापरा हिरकस किसका नाम है? बकरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यदि दूध का CLR 28 है तो दूध का विशिष्ट गुरुत्व होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल है, तो सबसे लोकप्रिय अपन ने कहा राजस्थान की मेरिनो चोकला, तो मेरिनो नस्ल ऊन के लिए ही फेमस है, तो मेरिनो। द टोटल नंबर ऑफ टीथ इन एडल्ट फुल माउथ कैमल इज? एक वयस्क पूर्ण मुंह वाले ऊंट में दांतों की संख्या 34 होती है। कितनी होती है? 34। निम्नलिखित दवाओं में से कौन सी जानवरों में इस्तेमाल होने वाली कृमि नाशक दवा है? तो कौन सी है? ओवरमेक्टिन। कृमि नाशक कौन सी है? ओवरमेक्टिन कृमि नाशक दवा है निम्नलिखित में से। ये आपके
एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 100 क्वेश्चन है, बिल्कुल राइट एक्यूरेट आंसर की है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं है, यही क्वेश्चन के आंसर बोर्ड के द्वारा माने जाएंगे 100%, क्योंकि यही आंसर जो है सही है, उचित आंसर यही है इनके। अब इसी के अनुसार आप आकलन कर लेना अपना कि आपके कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, और आपको जल्द ही एक नया वीडियो के साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, कितनी कट ऑफ जा सकती है सुपरवाइजर की एग्जाम में, इसके बारे में भी बता दिया जाएगा जल्द ही। और ऑल द बेस्ट, उम्मीद करता हूँ आप सभी का सिलेक्शन हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ, क्योंकि आपने अच्छी मेहनत की है, बहुत समय से 5-6 महीने से आप लगातार तैयारी कर रहे थे। और NCA परिवार, लॉकडाउन के अंदर आपकी ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था, लॉकडाउन खुलने के बाद ऑफलाइन क्लासेस हुई, और हम हमेशा आपके साथ थे, और उम्मीद है आपका सिलेक्शन होगा, हमें उम्मीद है, आपके घर वालों को आपसे उम्मीद है, आपके सोसाइटी को आपसे उम्मीद है, और जितने भी दोस्त हैं उनको सभी को आप लोगों से उम्मीद है। इसी के साथ आपकी की खत्म हुई, थैंक यू, धन्यवाद। नेशनल कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेट, ICAR, कृषि पर्यवेक्षक और कृषि से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 2007 से लगातार सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला राजस्थान का एकमात्र संस्थान है। कम फीस में बेहतर सुविधाएं ही NCA उदयपुर को राजस्थान का ही नहीं अपितु भारत का सर्वश्रेष्ठ कृषि संस्थान बनाती है। जेट, ICAR, BHU कृषि पर्यवेक्षक के साथ साथ 11वीं और 12वीं के लिए स्कूल प्लस कोचिंग उपलब्ध है। कृषि प्रतियोगी परीक्षाओं के सभी ऑनलाइन कोर्स संस्थान के मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आज ही जुड़े राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ कृषि संस्थान से। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। नेशनल कैरियर।